बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी हमारे साथ इस स्पेशल इंटरव्यू सीरीज पे जुड़ने के लिए जिसका नाम है इंटरव्यू विद इंस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच तो यस तो हम लोग अभी ये कोरोना का जो पूरा लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो हमने ये सोचा कि क्यों ना अलग अलग इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर्स तक आर्टिस्ट तक पहुंचे और एबीजीसी इंडस्ट्री आजकल कैसी परफॉर्म कर रही है उसके बारे में आपसे इनसाइट्स जाने कि आपके निगाह से वो कैसा दिखता है। तो इसलिए ये इंटरव्यू है और साथ में हमारे स्टूडेंट्स भी इसमें से आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम इंटरव्यू शुरू करते हैं उसके पहले मैं विकास जी के बारे में बताऊं कि ये इंदौर में एक बहुत ही बढ़िया एनिमेशन स्टूडियो चलाते हैं जिसका नाम है क्राफ्ट क्रिएशन 3D एनिमेशन स्टूडियो एंड डिजिटल फिल्म प्रोडक्शन हाउस और पिछले 11 साल से ये यहाँ पर है। और इंटरव्यू के पहले इन्होंने हमको अपना ऑफिस भी दिखाया जो बहुत ही सुंदर बनाया है ऑफिस और मतलब जिस तरह से गूगल के ऑफिस में रहता है कि रिक्रिएशन के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स भी है, खाने पीने के लिए भी है और आराम कर सके आर्टिस्ट उसके लिए भी है। तो आर्ट आदमी को सोचती है तब जब वो माहौल मिले, तो उस हिसाब से काफी बढ़िया ऑफिस डिजाइन किया है। तो विकास जी आज हमारे साथ हैं, हम लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं। विकास जी बिल्कुल ओके तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी किस तरह रही, आप जब कॉलेज में थे तो पढ़ाई की और फिर इस फील्ड में आने का कैसे बना? मेरी बेसिकली टेक्निकली दो अलग तरह की जर्नी थी। मेरी फर्स्ट जर्नी जो थी उसमें मैं ऑलरेडी किसी एक अच्छी कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, मैं एक इंश्योरेंस सेक्टर में था और एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा था। मैंने अपना काफी समय उसके साथ निकाल लिया था, ग्रेजुएशन के बाद अपना काफी समय मैं एज अ सेल्स ऑफिसर काम कर रहा था और जो वो एज थी उस एज के हिसाब से वो सैलरी और वो सब चीजें मतलब सफिशियंट थी कि मुझे जरूरत नहीं थी वहां से वापस से कम बैक होने की। बट कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट अगर हो आप तो आपके अंदर हमेशा से वो चीज रहती है कि नहीं मुझे कुछ अलग हटके करना है और मुझे मेरा कुछ करना है कि मतलब मेरी क्रिएटिविटीज जिसमें डिस्प्ले हो या मैं सामने आऊं। तो बस वही समय था। तो 2004 और 5 का समय था जिस समय मैं ICICI लोम्बार्ड के साथ काम कर रहा था और एक अच्छी पोजिशन पे एक अच्छी डेजिग्नेशन पे था, सीनियर पोजीशन पर था और काफी अच्छी सैलरी वैलरी सब था। बट फिर मेरे अंदर ऐसा हुआ कि नहीं मुझे अपना खुद का कुछ क्रिएटिव करना है लाइक और मुझे मतलब वीडियोस में कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा था, मैं वीडियोस में ही कुछ करूंगा। तो जस्ट अपनी जो क्रिएटिविटीज थी उनको सामने डिस्प्ले करना, लोगों को कहानी सुनाना, बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, मैं काफी अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहा था। तो मुझे लगता था कि ये कंटेंट जिसमें मैं हमेशा बहुत सारे दोस्त इकट्ठे कर लेता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे पास भले ही वो कहानियां झूठी हो या सच हो बट मैं काफी लोग गैदर कर सकता हूँ, तो क्यों ना इसको वीडियोस फॉर्मेट में करा जाए। तो जस्ट उसी को दिखाने के लिए वो इमेजिनरी स्टोरीज जो है उन्हीं को डिस्प्ले करने के लिए मैं फिर वापस मैंने जॉब छोड़ी, देन मैंने एक कोर्स ज्वाइन करा और फिर मैंने एनिमेशन स्टार्ट करा अपना कोर्स। एक डेढ़ साल का मैंने डिप्लोमा कोर्स करा था, एक डेढ़ साल की ट्रेनिंग ली, फिर देन जॉब, देन फिर यस तब मेरी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई। तो एज यूजुअल जैसे कि पता होता है कि इंडस्ट्री में एकदम से ये इंडस्ट्री बहुत ग्लैमर वाली है, तो ऐसा जैसे अपन जितना सोचते हैं कि ये इतने बड़े बजट पे होगा वो वैसा स्टार्टिंग नहीं थी, लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि जस्ट बिकॉज जो मेरे ड्रीम्स थे वो सब उसी तरीके से सामने आ रहे थे और वही काम मैं कर पा रहा था। तो जस्ट जब मैंने अपनी लाइफ स्टाइल मतलब अपनी लाइफ स्टार्ट करी एनिमेशन इंडस्ट्री में, तो आई वॉज इन मुंबई में वहां पर जॉब कर रहा था, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे वहां, मैं देखता था काफी लोग ऐसे थे जो कि प्रोजेक्ट्स को लेकर वो जॉब समझते थे और बड़े उदास से ढीले बैठे रहते थे, बट मेरे में वो बात नहीं थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता बड़ा एंथुसियाज्म से कि कोई भी नया प्रोजेक्ट आया तो वाह ये कैसे करेंगे, इसको कैसे सीखेंगे, इसमें कोई नई चीज, और उसी एनर्जी से मैंने उसे सीखना चालू करा और काम अपनी एनर्जी स्टार्ट करी। 7 से लेकर 8 के आसपास में मुंबई में रहा, फिर उसके बाद 2009 में इंदौर आया और इंदौर में एज यूजुअल उस समय कोई अच्छी खासी इंडस्ट्री नहीं थी, इतने प्रोडक्शंस नहीं थे, खैर आज भी यहाँ पर ज्यादा स्टूडियोज नहीं है, फिर भी स्टूडियोज कम होने की वजह से एक बहुत बड़ा स्ट्रगल मुझे यहाँ देखने को मिला कि
एक आर्टिस्ट एज ए आर्टिस्ट आप इंदौर में कैसे सर्वाइव करेंगे। सो मैंने उसी समय टारगेट रखा था कि नहीं, इंदौर में जो लोग इंदौर में रहना चाहते हैं उनके लिए तो स्टूडियो इंदौर में होना चाहिए, स्पेशली 3D एनिमेशन, बिकॉज 3D एनिमेशन कोर्स काफी एक्सपेंसिव होता है, काफी समय लगाता है, मतलब एक स्टूडेंट अपना बहुत लंबा समय देता है 3D एनिमेशन सीखने में, तो फिर उसके बाद उसके शहर में उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस बात को मेरे थोड़ा सा दिमाग में रह गई थी, तो मैंने जस्ट फाइनलाइज करा कि नहीं, मैं स्टूडियो ओपन करूंगा और इंदौर में ही करूंगा और यहीं रहूंगा। तो जस्ट मेरी जर्नी तब से स्टार्ट करी थी 2009 से लेकर आज इस स्टूडियो को 11 साल हो गए हैं 2020 में हम लोग बैठे, और होप सो हमने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करा था, एक दो आर्टिस्ट से स्टार्ट करते करते आज 22 आर्टिस्ट की टीम है, और अब इसी को आगे प्लान करते हैं कि और अच्छा करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये आपका। तो आपने भी अपने स्टूडियो में एज अ 3D एनिमेटर काम किया या आप शुरू से एंटरप्रेन्योर हैं? नहीं, मैंने स्टार्टिंग 3D मतलब सिर्फ 3D एनिमेटर नहीं, एज अ 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट, देन टेक्सचर, लाइटिंग, रिगिंग, हर एक चीज थोड़ी थोड़ी की अपने को सब कुछ करना रहता था, क्योंकि टीम छोटी थी तो जस्ट ऐसा नहीं हो पाता था कि सारा चीज के लिए अपन आर्टिस्ट रखे और हर एक काम के लिए इंडिविजुअल पर्सन हो, तो बस छोटी सी टीम ने थोड़ा मैं करूँ थोड़ा तुम करो, जो नहीं आता था वो नई चीज सीखो और उसको रिफाइन करें, क्वालिटी बनाएं। तो स्टार्टिंग फेज जो था उसमें सारे ही पार्ट्स पे काम करा गया, एडिटिंग वीडियो, 3D इमेज एडिटिंग, इमेज कंपोजिशन, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, देन एनिमेशन, देन रेंडरिंग, कई चीजें ऐसी होती थी जहाँ कंफ्यूज हो जाते थे, तो जो कंफ्यूज होते थे तो फिर उसमें समय कुछ नया सीखना, और वो करते करते बस करते रहे। तो स्टार्टिंग हमने भी उस वैसे ही करी थी एज ए आर्टिस्ट, बट कई समय कुछ समय बाद एज ए मैनेजर का हो गए, ये कह सकते हैं कि कुछ समय बाद जब सब चीजें सीख ली तो एज ए मैनेजमेंट अपन ने सारी टीम को मैनेज करना है, फिर देन लगा कि नहीं अब जो है प्रॉपर तरीके से इसको अपडेट करने की जरूरत है, तो फिर प्रॉपर मैनेजमेंट सेट करा और अब जो है मैं टोटल एंटरप्रेन्योर के बस अपना काम करती हूँ। बढ़िया, तो अभी आपकी टीम में फिर कितने लोग हैं आपके ऑफिस में? 22 आर्टिस्ट है हमारी टीम में, 22 टेक्निकल आर्टिस्ट हैं और 4 मैनेजमेंट के बंदे हैं, वैसे करके 25-26 लोगों की टीम है, बढ़िया है। ओके, और अभी क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड है तो जैसे आपने पहले भी बताया कि कई सारे आपके आर्टिस्ट जो हैं वो अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो सवाल मेरा यही था कि हमारी जो इंडस्ट्री है ये एनिमेशन की या डिजिटल प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री है, तो इसमें वर्क फ्रॉम होम का आपको क्या लगता है कि कितना, मतलब ये हो सकता है आगे भी चल के मान लीजिए लॉकडाउन उठ भी जाए तो भी वर्क फ्रॉम होम ज्यादा एज एन एंटरप्रेन्योर आपको इजी है या रिक्वायर्ड है या ऑफिस स्पेस में ही आगे? देखिए ऑफिस स्पेस में काम करने का एक अलग मजा रहता है, बिकॉज जस्ट आप 3-4 मींस अच्छे क्रिएटिव आर्टिस्ट के साथ इन्वॉल्व रहते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ती है, अपग्रेड होती है, तो घर पे ये थोड़ा सा दब सकता है, बट हाँ अगर एज ए स्टूडियो और अपन ये बात करें कि क्या प्रोजेक्टों को एग्जीक्यूट करा जा सकता है तो बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम से प्रोजेक्टों को एग्जीक्यूट करा जा सकता है, हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसमें अच्छी क्वालिटी भी निकाल सकते हैं, इसके लिए मैनेजमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में फिक्स है, हम 3 प्रोसेस में काम करते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो इफ आपका अगर प्री प्रोडक्शन स्ट्रांग है और अगर वो आपने बहुत अच्छे से बनाया है तो आपको आगे की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका प्री आप इतना स्ट्रांग रखिए कि उसमें हर एक छोटी बड़ी डिस्क्रिप्शन वहां पर मेंशन होनी चाहिए। दूसरी इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें ITs है, वहां पर दिक्कत ये आ जाती है कि उनका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट जनरेट होता है। हमारे 3D एनिमेशन में सबसे बेहतरीन चीज ये है कि जो भी आउटपुट है हमने इधर कंप्लीट करा और सामने हमको दिखना लगता है, हमने अगर कोई रेंडर निकाला तो वो फाइनली कैसा दिख रहा है, मींस लाइट कैसी है, टेक्सचर कैसा है या रिफ्लेक्शन कैसा है, सारी चीजें हमको हाथों हाथ दिख जाती है। तो अब इन सारी चीज जगह हमारा रिजल्ट फास्ट आ रहा है, क्विक आ रहा है, तो हमको बस क्या करना है, मैनेजमेंट सही करना है। अब उस मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें हमारे प्री प्रोडक्शन को बहुत स्ट्रांग लेवल पर बनाना पड़ेगा, हर ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल्स होती है, कई बार मतलब ऐसा रहता है कि स्टूडेंट प्री प्रोडक्शन को बोरिंग समझ कर छोड़ देते हैं कि अरे यार मतलब ये तो नॉर्मल चीज है, नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मेनली वो की पार्ट है। अगर आपने प्री प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आज हम पिछले 3 महीने से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं
और हमें हमारे क्लाइंट से उतने ज्यादा करेक्शन भी नहीं आते जितने जनरली हमारे ऑफिस में आते थे, क्योंकि उस समय हम लोग प्री प्रोडक्शन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि मालूम है सामने आर्टिस्ट बैठा है, कुछ गलती होगी, मिस्टेक होगी, तो हम वो प्री प्रोडक्शन वाला थोड़ा सा पार्ट हम बचा लेते थे कि हम थोड़ा सा प्री नहीं करेंगे, हम इसको मुंह से बोल के समझा देंगे आर्टिस्ट को, बट वो अंडरस्टैंड लेवल उसमें कमजोर रहती थी, तो उसमें करेक्शन और अपडेट हल्के से ज्यादा आते थे। लेकिन अभी जब हम डिस्टेंस पर बैठे हुए तो हमें पता है कि हमें इस आर्टिस्ट को बार बार बताना पड़ेगा, ये मुश्किल होगी, तो प्री प्रोडक्शन हमने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करा, उस हल्के से प्री प्रोडक्शन को आपने प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिया, सही इमेजेस, सही रेफरेंसेस, सही स्केचेस और सही डिटेल्स, कैमरा एंगल सारे आपने प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिए, तो जहां वो अब एक आर्टिस्ट करे, दूसरा करे, या वो किसी को भी दे दे, तो हर कोई उसमें बहुत क्वालिटेटिव सही काम कर रहा है, तो हमारी इंडस्ट्री में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करे जा सकते हैं इस तरीके से वर्क फ्रॉम होम से। बट अगर आप बात करें कि क्रिएटिव पॉइंट पे, कि अगर हम दो या तीन क्रिएटिव आर्टिस्ट को कोई स्टोरी बनाने को दें, तो जो वो ग्रुप में बैठ के काम करते थे और जो प्रोडक्शन आता था, तो वो इक्विवेलेंट रहता था सबकी थॉट प्रोसेस, क्योंकि जिस समय वो बैठकर बात कर रहे हैं तो सब लोग एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही लूप में स्टोरी डाल रहे हैं, लेकिन जब सब लोग अलग अलग एनवायरमेंट में है, तो हर कोई अलग देख रहा है, अलग रिसर्च कर रहा है। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में R&D बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए रिसर्च बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि हर एक व्यक्ति एक अलग पार्ट पर रिसर्च कर रहा है, तो ये क्रिएटिव पार्ट में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्रिएटिव पार्ट में अगर अपन आगे एग्जीक्यूट करने में, बाकी टेक्निकल पार्ट में अगर इसे चाहे तो बहुत इजीली एग्जीक्यूट करा जा सकता है, प्री प्रोडक्शन को स्ट्रांग करते हैं। बढ़िया। और क्लाइंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन से कितने क्लाइंट्स हैं, और अभी आपका लॉकडाउन के पहले जिस रेट पे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, क्या उसी रेट पे अभी भी चल रहा है या उसको कुछ असर हुआ है? देखिए क्लाइंट्स के सबसे पहले हमारे जो क्लाइंट है, हम ग्लोबलाइज्ड काम करते हैं, तो हमारे US बेस्ड सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्लाइंट्स है हमारे US बेस्ड है, बट हमारे यूरोपियन कंट्रीज में भी क्लाइंट्स है, गल्फ में भी है, ब्रिटेन से काफी क्लाइंट्स है जो रिपीटेड है, जो कंटिन्यू आते रहते हैं, तो ऐसे करके हमारे क्लाइंट्स तो बहुत सारे, मोर देन 2000 प्लस क्लाइंट्स हैं हमारे, और जो रेगुलर क्लाइंट्स जिन्हें बोलते हैं वो भी हमारे 200-300 प्लस ही क्लाइंट्स हैं। तो कॉस्टिंग और इसकी बात जो आपने करी, उसमें देखिए पेमेंट वाइज कुछ यूं नहीं हुआ कि रेट कम हुए या बढ़े, हाँ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हल्के से कम हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ थोड़े समय के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, ये बहुत लंबे समय तक नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब स्टार्टिंग कोरोना स्टार्ट हुआ था उस समय इस पर बहुत ज्यादा असर था, कि मतलब 50% प्रोजेक्ट बैकडाउन हो गए थे, लेकिन अभी हम देखेंगे तो पिछले 2 महीने पहले वो थोड़ा सा रिकवर हुआ, ठीक है, और अभी आते आते कंडीशन ये इक्विवेलेंट है जो पहले हुआ करती थी, जो इयर्स के टाइम में, मतलब लास्ट ईयर की बात करूँ या उसके लास्ट ईयर की, तो ये इक्विवेलेंट है। हाँ नई चीज है तो प्रोसेस में थोड़ा सा समस्या आ रही है, बट ये कंटिन्यू वापस से फ्लो में, मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 मंथ्स में, ये अगले 2 महीने में सब चीज आपके रनिंग प्रोजेक्ट जो आना है वो वापस से पहले जैसे हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और मेरे मुझे तो ऐसा लगता है बढ़ेंगे ही, कि जितनी जल्दी इन्होंने रिकवर कराया, मतलब इतनी जल्दी सोचा नहीं था कि ये रिकवर हो पाएगा, बट ये बहुत जल्दी रिकवर हो गया, बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स आना चालू हो गए, क्लाइंट्स उसका सिचुएशन कैसा है, मतलब वो मार्केट पिछले कई समय से ग्रो कर रहा है, तो वो हिट होने वाला है क्या, या उसका कैसा है? बिल्कुल, देखिए जो हमारे लोकल, मतलब लोकल तो नहीं, हमारे नेशनल IPs जो है, अगर हम बात करना चाहें तो अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास बहुत छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स थे, और आप मैक्सिमम एनिमेशन मूवीज की अगर बात करें तो वो सिर्फ माइथोलॉजिकल मूवीज होती थी, रामायण थी, कृष्णा थी, बाल कृष्ण थी, इसी टाइप के मूवीज पे हम लोग काम करते थे। यशराज प्रोडक्शन ने एक बहुत बढ़िया पहल करी थी जुगल हंसराज के साथ, रोड साइड रोमियो उन्होंने रिलीज करी थी, बट दैट वॉज द बिग डिजास्टर, तो उसकी वजह से मतलब एक इंडस्ट्री में बहुत नेगेटिविटीज आ गई थी कि एनिमेशन नहीं रन कर पाएगा, प्लस माया एकेडमी का, डिजिटल माया की
बहुत बड़ी फिल्म थी एक रामायण, जिसको रिलीज होने में ही काफी समय लग गया था, वो डेवलप ही होते गई थी काफी समय से। तो अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो ये बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि एनिमेशन क्या इस इंडस्ट्री का हमारे पास कुछ ज्यादा स्कोप नहीं आ पाएगा। लेकिन आप देखिए फिर धीरे धीरे छोटा भीम आया, ठीक है, छोटा भीम की 2-3 अलग अलग तरह की सीरीज आई, उनकी मूवीज आई, अर्जुन आया, और आज आप मतलब एक समय था जिस समय हमारे कार्टून चैनल पर टोटल जो कार्टून आते थे वो सब बाहर के ही होते थे, वो जैपनीज होते थे या वो यूएस बेस्ड होते थे, इंडियन कार्टून बहुत मिनिमम थे। लेकिन आज अगर आप छोटे बच्चों से बात करेंगे और उनसे उनके फेवरेट कार्टून पूछेंगे तो 60-70% बच्चों के इंडियन कार्टून ही फेवरेट होते हैं, और वो बहुत बड़े लेवल पर आ चुके हैं। तो अगर 10 साल में हमने इतना बड़ा गैप कवर करा है कि हम बहुत समय से एनिमेशन नहीं थे और हमने एनिमेशन में 10 साल में इतना बड़ा गैप कवर करा, तो बिल्कुल हम आगे भी इसे करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं कई बार अपने आर्टिस्टों को भी देता हूँ कि देखिए आप छोटा भीम ही एक ऐसी सीरीज थी जो सिंपल 2D एनिमेशन में चल रही थी, लेकिन आज नेटफ्लिक्स पे जो उनका जो छोटा भीम की सीरीज है उसमें एक्चुअली उन्होंने छोटे भीम को और छोटा कर दिया, मतलब ही वाज द टॉडलर, एक बच्चा जमीन पे रेंगने वाला बच्चा, मतलब छोटा भीम की जो एज है वो एज हम कार्टून सीरीज में देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 8-9-10 साल वाले बच्चे की है, लेकिन उसमें उन्होंने उसे टॉडलर बना दिया, एक बच्चा जो कि घूम रहा है, तो और लोग वो भी देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। तो इंडियन कार्टून और इंडियन एनिमेशन पे भी, इंडियन एनिमेशन बाहर की इंडस्ट्री में कभी डिस्प्ले ही नहीं हुआ, लोगों ने देखा ही नहीं, इंडियन एनिमेशन के नाम पे सिर्फ मैथोलॉजी थी, लेकिन ये जब नई चीज आई और नई चीज इंट्रोड्यूस हुई तो लोगों ने उसे पसंद करा और आज वो लोगों को समझ में आ रही है, बिकॉज वी हैव वेरी ब्राइट कलर्स, हमारे पास बहुत ब्राइट कलर्स है। आप देखें अगर चाइनीज एनिमेशन या अपन जापानीज एनिमेशन तो ये लोग बड़े डल कलर्स से बनाते हैं, ठीक है, यूएस वाला अपन जो एनिमेशन, यूएस या ब्रिटेन वाले जो अपन एनिमेशन देखते हैं तो वो उनके एनिमेशन के कलर एक रिच रॉयल टाइप के हैं जो बड़े लोगों को समझ में, लेकिन एकदम ब्राइटल कलर जो बच्चों को एकदम समझ में आते हैं वो इंडियन मींस इंडियन आर्टिस्टों के पास बचपन से जो हमने आर्ट देखा है उसमें हमने ऐसे ही कलर्स देखे और ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में धीरे धीरे पकड़ कर रहा है और ये 101% मतलब अभी नहीं, लेकिन हाँ हम कुछ समय में जब अपनी आईपी जैसी कंटिन्यूस चलती आएंगी और ऐसे ही हिट होती जाएंगी जैसे नेटफ्लिक्स पर छोटा भीम हिट हुई, ऐसे ही ये हिट होती रही तो ये हमारे को एक बहुत अच्छा मार्केट मिल सकता है और मिलेगा ही मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत समय लगेगा बट मिल जाएगा, लोगों को काफी पसंद आएगा। नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग पिछले समय से काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मैं एक्चुअली ये जानना कि इससे पहले ये क्यों नहीं हुआ, मतलब क्या हमारे पास ओरिजिनल थिंकिंग पहले नहीं थी जो अभी आना शुरू हो गई है? मतलब एक कारण मेरे को समझ में आता है कि हमारे यहाँ एनिमेशन इंडस्ट्री शुरू ही काफी लेट हुई, मेरे ख्याल से 60s या 70s में मान लीजिए कुछ वो एक था तो, लेकिन तब से लेके भी अब तक 40 साल हो गए, तो 40 साल क्यों लगे हमको खुद के नए आईपीज बनाने के लिए? देखिए सबसे बड़े है, जो इसके पीछे सबसे मेन मुद्दा है वो यही है कि फाइनेंशियल, देखिए एक्चुअली प्रोड्यूसर इन्वेस्ट तभी करता है जब वापस आता हुआ पैसा दिखता है, और अगर कोई भी नए एक्सपेरिमेंट अगर फेल होता है तो उसमें दूसरे प्रोड्यूसर हमेशा डर जाते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा ही रहा है, मतलब इस इंडस्ट्री सिर्फ एनिमेशन में नहीं, अगर हम कोई अच्छे एक्टर को भी देखें, अगर कोई एक्टर को लेकर किसी ने डायरेक्टर ने अगर मूवी रिलीज करी और अगर वो फ्लॉप हो गई तो भले ही वो अच्छा एक्टर है लेकिन उसे बहुत समय लग जाता है नया प्रोड्यूसर मिलने पे, डायरेक्टर को बोला, डायरेक्टर पे दबाव बनाया जाता है कि यार आप एक्टर चेंज कर दो ये फ्लॉप मूवी दे, तो वही वाला मेन सीन था कि जब स्टार्टिंग में एनिमेशन आए तो जस्ट वो यूनिवर्सल नहीं थे, सबसे बड़ी चीज थी जो एनिमेशन डेवलप करे जा रहे थे वो यूनिवर्सल नहीं थे, ग्लोबलाइज नहीं थे, वो सिर्फ यहीं के ऑडियंस को लेकर या यहीं के लोगों को लेकर, अच्छा यहाँ के ऑडियंस की जो रीच थी, हम शुरू से हमारे बच्चों को ये बोलते आए हैं कि टीवी मत देखो बिगड़ जाओगे, तो जब आप अपने बच्चों पे यही चीज तैयार कर रहे हो कि टीवी मत देखो तो एनिमेशन की ऑडियंस तो वो बच्चे ही है, तो बच्चे की तो रीच ही नहीं है टीवी तक हमें, अब आप बड़ी ऑडियंस को मूवी दिखा नहीं सकते, आपने बड़ी मतलब बड़ी ऑडियंस को जब मूवी डिस्प्ले करी तो वो उसमें देखी नहीं बड़ी ऑडियंस ने, तो ये फेल हो गया, तो फेल प्रोजेक्ट पे कभी किसी ने इन्वेस्ट नहीं करा, और ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते थे, हम लोग काम करते थे लेकिन हम दूसरों के लिए काम करते थे, दूसरी इंडस्ट्री के लिए काम करते थे, हम पीछे बैकग्राउंड में कुछ काम कर लेते थे तो वही छोटे मोटे काम में रहे, लेकिन जब इस पे हमने हमारे रिसोर्सेस ने अपने क्रिएटिव पार्ट्स को इनपुट डालना चालू करा
और जब धीरे धीरे इसको निखरने लगा और सामने आने लगा, अच्छा ऑडियंस भी चेंज हुई, प्लस रीच थी जो बच्चों की रीच थी आज डिमांडिंग हो गई है। मतलब आज अगर बच्चा टीवी देखता है तो पेरेंट्स उसको उस तरीके से नहीं रोकते जो हमारे बचपन में हमें रोकते थे, ठीक है। इवन मैंने खुद ये महसूस करा कि आज फैमिली में मतलब पेरेंट्स खुद बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये ले तू वीडियो देख यूट्यूब पे, और बच्चा वो एक्स वाई जेड बहुत सारे नर्सरी राइम्स होती है वो बैठे बैठे देख रहा करता है। तो एक्चुअली जो मेनली यहाँ का व्यूअर थे, हमारे जो ऑडियंस थी, उस ऑडियंस को ब्लॉक कर रखा था पेरेंट्स ने। असल में वो ये बोला जा सकता है कि हमारे पेरेंट्स, लेकिन आज की पेरेंट्स उसको अलाउ कर रहा है, प्लस वो अपनी कंफर्टेबिलिटी देख रहा है। तो आप जब आपका ऑडियंस बढ़ रही है तो इस वजह से मार्केट बढ़ रहा है, और ये धीरे धीरे अब अच्छा एक अच्छी चीज है कि अब ये मैक्सिमम लोगों के पास है, मतलब हर एज ग्रुप के पास में, प्लस इसका सही उपयोग यूज मतलब सही उपयोग इंडस्ट्री समझ रही है कि ये एक एजुकेशन पर्पज से आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। वीडियो कंटेंट को, एनिमेशन कंटेंट को आप एजुकेशन पर्पज से बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो अब वो लोग खुद ही वीडियोज में इन्वॉल्व हो गए, एनिमेशन वीडियोज के थ्रू जब एजुकेशन चालू करी और देखा गया कि बच्चे से ज्यादा सीख रहे हैं और बहुत जल्दी सीख रहे हैं, बहुत टफ टफ चीजों को बहुत आसानी से ग्रॉस कर रहे हैं। तो ये वाली चीज और मतलब तेजी से आई। आप देखिए ई एजुकेशन जो है पिछले 5 साल का मार्केट है, लेकिन 5 साल में कितने बड़े लेवल पर आ गया ये, मतलब एक आइडिया ही था, आइडिया को इन्होंने ग्रोथ कर दिया। तो ये इसी तरीके से मतलब जब तक ऑडियंस नहीं होगी, दिक्कत वही है ना, ऑडियंस और डेवलपर की बीच की गैप। पहले जो डेवलपर बनाते भी थे तो ऑडियंस, वो ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाते थे, ये ऑडियंस के पेरेंट्स मतलब डिमांड ऑडियंस के पेरेंट्स की थी कि नहीं यार हमारा बच्चा नहीं देखेगा, हमारा बच्चे ने अगर ये देखा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, टीवी देख के बिगड़ जाएगा, तो वो वाली चीज थी। तो अब जब बच्चे को सेट कर रखा था कि आपको दिन में 2 घंटे टीवी देखनी है, तो 2 घंटे के लिए कोई भी कंटेंट नहीं बनाएगा, तो 2 घंटे के लिए बेस्ट चीज क्या है, डिज्नी से कंटेंट परचेस करो, हिंदी डब करो और दिखा दो, इजी है, सस्ता है, प्रोड्यूसर के लिए इजी है। तो क्या बनाया, डिज्नी आर बना दिया 1 घंटे का सीरियल, बच्चा देखने को तैयार, देखिए पेरेंट्स अलाउ 1 घंटे ही कर रहे हैं ना, अगर पेरेंट्स ही अलाउ कर रहे आप दिन भर देखो तो कार्टून नेटवर्क बहुत पहले ही खुल जाता, और अगर कार्टून नेटवर्क बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो जाता तो हमारे भी बहुत जल्दी जल्दी कार्टून बनना चालू हो जाते बच्चे। एडल्ट्स के लिए एनिमेशन एज एन इंडस्ट्री ये कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ये तो सारी बच्चों की बात हो गई, लेकिन मतलब एडल्ट्स के लिए भी तो एक कंजम्पशन का एक मार्केट होगा ना, उसका क्या सीन? बिल्कुल, अरे एडल्ट्स के लिए है। इवन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पे 2-3 सीरीज देखी जो कंप्लीट एनिमेटेड थी, फुल एनिमेटेड। तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं एनिमेशन सीरीज में, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज भी नहीं लेते। ये मैंने खुद का मतलब, ये मेरा पर्सनल सर्वे, मैंने कहीं देखा नहीं है, बट मैंने पर्सनली देखा इंडियन एडल्ट्स आज भी कार्टून एनिमेशन देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि नेटफ्लिक्स में इतनी एक्सपेंसिव सीरीज थी जो मैंने देखी थी, वो 3D एनिमेटेड, फुल 3D एनिमेटेड, लव रोबोट, ये वो सारी चीजें उसमें अवेलेबल थी। इवन अगर हम बात करें तो अभी जो लास्ट हमारी स्पाइडरमैन अमेजिंग जो आई थी वो भी एक एनिमेटेड सीरीज थी, वो मतलब एनिमेटेड मूवीज थी। तो आउट ऑफ इंडिया लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हमारे यहाँ इसका एक्सेप्टेंस थोड़ा सा कमजोर है। तो इस वजह से हमारे यहाँ भी जो कंटेंट अभी डेवलप हो रहा है तो एनिमेशन कंटेंट हमारे यहाँ एडल्ट के हिसाब से नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ मैक्सिमम एज 13-14 तक के किड्स के लिए बनता है, उसके बाद हम लोग एनिमेशन का डेवलपमेंट नहीं करते। उसके बाद हाँ ये कि हम एक्सप्लेनर काइंड ऑफ वीडियोज की प्रोडक्ट का यूज हो या इस टाइप की चीजों में हम एनिमेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी को या ट्रेनिंग वीडियोस हैं किसी तरह के, या सेफ्टी वीडियोस हैं, या प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, इन तरह की चीजों में हम लोग एनिमेशन का यूज कर रहे हैं एडल्ट्स को गाइड करने के लिए। लेकिन इंटरटेनमेंट प्रोसेस में हम लोग एनिमेशन नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि इंडियन जो एडल्ट्स हैं उनको इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब मैंने अभी तक नोटिस नहीं करा कि कोई ऐसी चीज की इंडियन लोग जो है मतलब जिसकी एज 17-18 है वो कुछ एनिमेशन देखने में इंटरेस्ट ले, उसको एनिमेशन चाहिए लेकिन उसको रियल टाइम VFX अच्छा लगता है, बट अगर 3D एनिमेशन की बात करें तो वो लोग नहीं लेते इसको। और ये इंडिया की बात करो मैं फिर। नहीं बिल्कुल सही, मेरे ख्याल से मैं भी जब अपने दोस्तों में बात करता हूँ या मैं खुद भी कुछ साल पहले तक जब ये सब चीजें पता नहीं थी तो हमको भी यही माइंड सेट है कि एनिमेशन है मतलब कार्टून है मतलब बच्चों के लिए, वो बड़ों का है ही नहीं। तो ये मेरे ख्याल से माइंडसेट ब्रेक होने में कुछ सालों में हुआ है और शायद आगे और भी होगा जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। आपका थोड़ा डिजिटल प्रोडक्शन हाउस वो क्या क्या किस्म के प्रोजेक्ट्स लेता है वो भी बताइए।
हमारे यहाँ कंप्लीट जो है कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स, मतलब वैसे तो हमारे यहाँ सब तरह के प्रोजेक्ट्स ले आ जाते हैं। हम लोग कैरेक्टर एनिमेशन बेस्ड जो मूवीज होती हैं, शॉर्ट मूवीज, उन पे काम करते हैं। बेसिकली जो एड फिल्म्स होती हैं, तो शॉर्ट एड फिल्म्स 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड्स की एड फिल्म्स बनाते हैं हम लोग। प्लस हम लोग जो एक्सप्लेनर वीडियोज होते हैं, प्रोडक्ट एनिमेशन है, किसी भी प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन प्रोसेस या उसकी जो फंक्शनल है उसके बारे में बताना, या सर्विस डिस्प्ले, सर्विस एक्सप्लेनर वीडियोस, कोई कंपनी जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है उसके एक्सप्लेनर वीडियोस। इसके अलावा हम लोग सेफ्टी वीडियोस के लिए काम करते हैं, मतलब इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका यूजेस कैसे किया जाए, सेफ्टी वीडियोस है। तो कॉर्पोरेट बेस्ड हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स हमारे कॉर्पोरेट बेस्ड हैं, जो या तो मतलब इंडस्ट्री है, या तो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या तो कोई सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं। और इनके अलग अलग, मतलब अगर एड फिल्म है तो 50 सेकंड, विदिन 50 सेकंड रहती है, और अगर एक्सप्लेनर वीडियोस हैं तो 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तक भी रहते हैं, तो अलग अलग एक्सप्लेनर रहते हैं। सेफ्टी वीडियोस जो होते हैं ये थोड़े से लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब इसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है, ये 20 मिनट 30 मिनट्स के होते हैं, क्योंकि उसमें जो इंडस्ट्री में मशीन यूज हो रही है या जो टूल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, तो इस तरीके से अलग अलग डिवीजन होते हैं। इसी के साथ हम कुछ किड्स एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाते हैं, तो ये नर्सरी राइम्स होती हैं, प्लस एजुकेशनल वीडियोस होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए बनते हैं। तो हमारे कुछ यूरोपियन क्लाइंट्स हैं जो वहाँ की लैंग्वेज में अलग अलग राइम्स जो हैं उनकी वो डेवलप करवाते हैं, कुछ यूट्यूब्स के लिए होती है, कुछ वहाँ की एप्लीकेशन के लिए होती है, तो इस तरीके से ट्रेनिंग वो हम। बिल्कुल, ये बताइए कि अगर एक हमारा स्टूडेंट है, नॉर्मली हम लोग एनिमेशन की जब बात करते हैं तो बच्चे एनिमेशन सीखते हैं, तो उसमें कभी कभी उनका कोई एक पर्टिकुलर स्किल इंटरेस्ट होता है, रिगिंग में होगा, टेक्सचरिंग में, लाइटिंग में होगा, या फिर उसको जर्नलिस्ट बनना होगा, ये सब चीज में ड्रॉइंग और स्केचिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? ड्रॉइंग और स्केचिंग का इम्पोर्टेंस देखिए, बेसिकली इस इंडस्ट्री में बहुत बहुत ज्यादा है। आप इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखें कि आपका ड्राइंग और स्केचिंग में आपका इंटरेस्ट 100% होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ड्राइंग मींस इसमें ये नहीं है कि अगर आपको टेक्निकल नहीं आएगा तो आप एक मींस ड्राइंग और स्केचिंग का टेक्निक्स नहीं आएंगी तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके लिए टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन अगर आपको ड्राइंग और स्केचिंग आती है तो ये टेक्निकली आपको सपोर्ट करता है। कैसे मैं बताता हूँ, लाइक आप जब स्केच करते हैं तो आप हर एक चीज अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं, आपको पता होता है कि क्या बनाना है। लाइक आपको अगर एक ह्यूमन, मैंने एक टास्क दिया कि एक लड़का है वो मार्केट में खड़ा है और बारिश हो रही है, तो जिस समय आप स्केचिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले लड़का ड्रॉ करना पड़ेगा, देन मार्केट का बैकग्राउंड ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको ये मालूम है कि विजिबिलिटी क्या हो रही है, मीन्स लेयर्स की नॉलेज हो रहा है आपको कि मैंने अगर लड़का बना लिया है तो लड़के के पीछे जो बैक मार्केट का इमेज है वो मुझे नहीं बनानी है, तो उसके लेफ्ट और राइट साइड पर है बस उतना दिख रहा है, उतना ही ड्रॉ करना है। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में चलता है, आपके दिमाग में फ्रेमिंग सेट होती है कि हाँ ठीक है, ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर के पीछे बैकग्राउंड है, मुझे ये बनाना है, लेकिन जो इससे इंटरसेक्ट हो रहा है मुझे ये नहीं बनाना। फिर उसके बाद आती है शेडिंग की बारी। जब आप शेडिंग करते हो तो जैसे मैंने बोला, मैंने आपको टास्क दिया था कि ये एक बारिश होनी चाहिए, तो बारिश मीन्स, बारिश मतलब वो चीज होती है कि उसमें रात जैसा अंधेरा नहीं होता है और दिन जैसा उजाला नहीं होता है। तो आपको हर एक चीज, अब लाइक मान लीजिए मार्केट है, मार्केट में कहीं कॉर्नर पर कुछ ठेला खड़ा है या कोई सामान पड़ा हुआ है तो आपको विजिबल होगा, लेकिन वो कैसा होगा, आपको डार्क में विजिबल होगा। तो जब आप पेंसिल से आप उसकी शेडिंग करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को डार्क कर देंगे। ये आप जब स्केचिंग करना चालू करेंगे तो आप उसके जब देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये डार्क हो रहा है, मतलब ये अंधेरा है, मेरे को अंधेरा दिखाने के लिए। तो ये सारी चीजें जब आपने अपनी पेपर पर ही सीख ली तो जब आप एक्चुअली सॉफ्टवेयर पे बैठते हैं तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है कि आप एक पूरा बैकग्राउंड बना रहे हैं या ये सारी चीजें कर रहे हैं। आपको ये पता है कि इस पर्टिकुलर सीन में ये फ्रेम है और मुझे इस फ्रेम में दिखने वाली चीजें ऐसी बनाई, तो अगर मैंने इसको स्केचिंग के समय सिर्फ ये कैरेक्टर बनाया तो इतना पार्ट बनाया तो मेरे को यहाँ भी उतने ही बनाना है, मुझे अब उतनी ज्यादा एडिशनल मेहनत नहीं करनी क्योंकि मेरे शॉट और सीन रेडी है। तो उस वजह से अच्छा, इवन ये तो सिर्फ मॉडलिंग फेज हुआ, प्लस लाइटिंग का भी आपको नॉलेज हो गया क्योंकि आपने शेडिंग करते समय ध्यान दिया। आप जब शेडिंग कर रहे थे तब आपको पता था कि लाइट किस साइड से आ रही है, आपने कहाँ पर ब्राइट करा है, कहाँ आपने डार्कनेस करी है, तो ये वाली सारी चीजें आपको जो है स्केचिंग के नॉलेज से
अपग्रेड हो जाती है, मतलब ये आपके लिए एडिशनल बेनिफिट होता है। वहीं अगर टेक्निकल पर्सन कुछ काम कर रहा है तो उसके साथ दिक्कत यही होती है कि वो जब खुद काम कर रहा है तो वो जज नहीं कर पाता या वो इमेजिन नहीं कर पाता है ये पर्टिकुलर पार्ट कैसा होगा। लेकिन अगर उसने बहुत स्केचिंग कर रखी है, रिफाइन स्केचिंग कर रखी है, शेडिंग कर रखी है, तो उसके लिए वो जानना या वो उसको पकड़ पाना बहुत ईजी रहता है। मेरा अगला सवाल आपसे ऐसा है कि नॉर्मली जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, कॉलेज पढ़ रहे होते हैं या डिग्री कर रहे होते हैं, तो हमारा एक अलग माइंडसेट होता है सॉफ्टवेयर को देखने का या ओवरऑल काम को देखने का। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो चीजें पूरी बदल जाती हैं। तो ये जो पूरा बदलाव है, क्या माइंडसेट में चेंज करना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट मेरे को अगर एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है? सबसे पहली चीज, एंजॉय योर वर्क, सी और नेवर डिसाइड योर क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटस। मींस आप जब भी कोई चीज अपना डिसीजन लो कि मुझे ये वाला आर्टिस्ट बनना है, तो कभी भी आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति आया हो इंडस्ट्री से, उससे ये मत पूछो कि सर सैलरी ज्यादा किस चीज में मिलती है। आपने जब ये उससे क्वेश्चन कर लिया कि सर ज्यादा सैलरी किस चीज में मिलेगी मुझे, और उसने अगर वहां पे खड़े होकर, वो अगर बंदा अपने एनिमेटर को ज्यादा सैलरी देता है उसने बोला मैं एनिमेटर को, या वो मॉडलर को ज्यादा सैलरी देता है उसने बोला मैं मॉडलर को ज्यादा सैलरी मिलती है, या एक फोटोशॉप आर्टिस्ट को तो बोला फोटोशॉप, तो इससे सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो जाती है, आर्टिस्ट का माइंडसेट हो जाता है कि एक एनिमेटर को ज्यादा पैसा मिलता है मुझे तो एनिमेशन करना है, जबकि वो इस समय है लर्निंग फेज पर, उसे खुद ही नहीं मालूम है एनिमेशन क्या होता है, मॉडलिंग क्या होता है, टेक्सचरिंग क्या होता है, लाइटिंग क्या होता है, रिगिंग क्या होता है, वो लर्निंग फेज पे उसने डिसाइड कर लिया। लेकिन इस खुद आर्टिस्ट की, मतलब इस खुद स्टूडेंट की एबिलिटी क्या है, उसने बिना देखे अपनी एबिलिटी को बिना जज करे पहले ही डिसाइड कर लिया, माइंडसेट फिक्स कर लिया, मेरे को एनिमेशन ही करना है, क्योंकि भी कहीं किसी ने बोल दिया कि एनिमेशन में सैलरी ज्यादा मिलती है, या फिर किसी ने यह बोल दिया अरे एनिमेशन में तो बहुत जॉब है, मॉडलिंग में जॉब कम है, तो उसने अपने को सेफ साइड रखने के लिए वो जबरदस्ती सीखा। लेकिन उस आर्टिस्ट का हो सकता है, उस आर्टिस्ट को फोटोशॉप में ज्यादा इंटरेस्ट आता हो, वो मेट पेंटिंग बहुत अच्छी बना लेता हो सकता है कि वो डिजिटल पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, या हो सकता है वो ग्राफिक बहुत अच्छे बनाता हो, या हो सकता है वो रिगिंग बहुत अच्छी कर लेता हो, या फिर वो मॉडलिंग बहुत अच्छी करता है या टेक्सचरिंग अच्छी करता है, वो जो भी करता है उसने उस चीज को देखा ही नहीं, उसने अपना पहले ही माइंडसेट सेट कर लिया सिर्फ फाइनेंशियल बेस पर कि मुझे यही काम करना है क्योंकि पैसा इसमें ज्यादा है। अब क्या हुआ, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको दो काम करने हैं, एक वो जिसमें आपको मजा आता है, एक वो काम जो आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो आप ज्यादा अच्छा आउटपुट किसमें दे पाओगे? सिंपल सी चीज है, जो आप मजे से करते हैं, इंटरेस्ट से करते हो, आप उसमें बहुत अच्छा आउटपुट दे पाओगे। तो कभी भी ये डिसाइड मत करो फाइनेंशियल बेस पर कि भैया मुझे यही करना है, आप ये देखिए कि आप सबसे ज्यादा आउटपुट किसमें दे सकते हो। आपने जब भी आपकी क्लासेस लगी है तो आपने सबसे ज्यादा असाइनमेंट किस क्लास में दिए, आपने जिस क्लास में ज्यादा असाइनमेंट दिए ना, तो आप ये यकीन रखिए कि वही असाइनमेंट, मतलब जिस जो असाइनमेंट आपने जिस टॉपिक पे ज्यादा दिया वो आपका फेवरेट टॉपिक है और आप उसमें बहुत अच्छे से काम करोगे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि कभी भी इस चीज को इसलिए मत मेंशन करो क्योंकि मैं कई फोटोशॉप आर्टिस्ट को जानता हूँ जिनकी सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए, कई स्केचिंग आर्टिस्ट को जानता हूँ जिनकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपए महीना है, और कई एनिमेटर्स को जानता हूँ जिनकी सैलरी, तो आप बस आप अच्छा करना है, आप अपना काम बेस्ट करोगे, आपकी सैलरी बहुत ऊपर तक ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ऐसा काम करोगे जो आपको नहीं आता है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप हो सकता है आप किसी की कंपनी में जाके बैठ जाओ लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो इस माइंडसेट को थोड़ा सा दूर रखो तो आपको आपकी इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री दोनों सेम लग जाएगी। जब आपने ये वाला गैप खत्म कर दिया तो उस दिन आपका इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री सेम हो जाएगी। जहां आपने ये गैप बनाए रखा है कि नहीं मेरा तो इंस्टीट्यूट मेरी इंडस्ट्री, तो वो आपको हमेशा दिक्कत देगा, क्योंकि टूल्स वही हैं, काम करने का तरीका वही है भाई, आप लोग करते वही हम करवाते हैं, हम यहाँ बैठे करवाते हैं, बस थोड़ा मैनेजमेंट से। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार बात आपने बताई, मेरे ख्याल से ये वाकई सोचने लायक चीजें हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ऐसा है कि आपने तो कई सारी स्टूडेंट के शोरील्स और पोर्टफोलियोज देखे होंगे, तो व्हाट आर द फ्यू कॉमन मिस्टेक्स जो हमेशा स्टूडेंट्स करते ही हैं शोरील बनाते समय? द कॉमन मिस्टेक कि हर आदमी जर्नलिस्ट बनना चाहता है, ये सबसे गलत चीज है। मीन्स आपका फोकस, आपकी शोरील जिस भी चीज पर हो आप उस पर फोकस रखें। मैं यहाँ बैठा हूं, अगर आप मुझे एनिमेशन की शोरील दिखाने आए हैं, अगर वो देखिए आपका एनिमेशन बहुत अच्छा है और वो लाइटिंग वाइटिंग करके आपने बढ़िया बनाई है, तो इट्स वेरी इंप्रेसिव, बट
आपने एनिमेशन पे फोकस नहीं करा, आप उधर लाइटिंग लगा रहे हैं, वहां पे एक्स्ट्रा एडिशनल असेट्स डाल दिए, बैकग्राउंड डाल दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी आदमी आपका इंटरव्यू ले रहा है, ही इज अ एक्सपीरियंस गाय, उसे मालूम है कि आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपने वो करा है, कि उस समय आपका एनिमेशन पे ध्यान ना जाए, पीछे बैकग्राउंड पे जाए। तो ऐसी ट्रिक्स ना करें आप वो जिस चीज के लिए। अगर आप लाइटिंग आर्टिस्ट हैं, देखिए आपको अगर लाइटिंग आर्टिस्ट आपने दो अच्छे आउटपुट बनाए, सिर्फ दो अच्छे, तो अपनी शूटिंग में सिर्फ दो ही अच्छे आउटपुट डालिए, मुझे तीसरा देखना भी नहीं। मैं आपकी एबिलिटी, या कोई भी आर्टिस्ट जो भी सीनियर पर्सन होगा, वो आपकी एबिलिटी आपके एक दो तीन काम में समझ जाएगा। तो कभी भी ये गलती मत करें। मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है लोग यही करते हैं कि बहुत सारी चीजें डाल देते हैं और खिचड़ी बना देते हैं। खिचड़ी मत बनाइए, ठीक है ना। आप उस पर कोशिश करिए कि मैं ये भी डाल दूं, मॉडल भी डाल दूं, टेक्सचर भी डाल दूं, एक खिचड़ी वाली शोरील मत बनाइए आप। हाँ, अगर आप कंप्लीट 3D जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं और आप उसी रही, तो वो समझ में आता है कि आपने एक पूरा पर्टिकुलर तीनों चीजों के अलग अलग मेरे को आउटपुट दिखाए। लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि यार यहाँ पर मेरे साथ चेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही लगता है कि जब आप इंटरव्यू किसी और चीज के लिए दे रहे हो और आपकी शोरील बहुत सारी चीजों के लिए। और एक और चीज जो मैं चाहूंगा कि शोरील तो ठीक है, रिज्यूम में भी कभी ऐसा ना करें कि मैंने ये फ्रीलांस काम करा है, मैंने वो फ्रीलांस काम करा है, मैंने वो फ्रीलांस काम करा है। ऐसे चार पांच आप मेरे को जो फ्रीलांस काम बताते हैं, मतलब आप किसी भी सीनियर पर्सन को बताते हैं, तो उसमें भी ये रहता है, देखिए जब आप फ्रीलांस कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स को फ्रीलांस काम देने वाले आदमी की मेंटेलिटी ये होती है कि मुझे क्वालिटी नहीं चाहिए, मुझे पैसा बचाना है। तो आप जो भी काम करवाया है, हो सकता है कि वो आपके क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन वो उतना क्वालिटेटिव नहीं हो, और आप वो वाली चीजें बहुत सारी डाल देते हैं, 15-20 मिनट की शोरील बना देते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है मतलब जज करने के लिए। तो ये वाली चीजें, ये दो गलतियां आप बस मत करा करें कि फ्रीलांसर की ढेर सारी चीजें आपने डाल दी कि मैंने फ्रीलांस करा है, फ्रीलांस करा है, वो फ्रीलांस करा है, वो वाली चीजें। और शोरील जो है वो नीट एंड क्लियर जिस टॉपिक पे आपने बनाई है उसी पर होनी चाहिए। शोरील का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? सी, अगर इफ यू आर अ फ्रेशर तो 30 सेकंड से 50 सेकंड की शोरील सफिशियंट है। बहुत ज्यादा हो गई ये भी, मतलब वो ये सब आपके, हाँ, एक मिनट भी नहीं होना, आपके नाम, नंबर, एड्रेस, फोन नंबर सब आने के बाद वो 30 से 50 सेकंड की शोरील में सब समझ में आ जाता है कि एक प्रेशर कितना काबिल है और क्या क्या कर। क्या बात है, चलिए बहुत ही बढ़िया लगा विकास जी आपसे जुड़ के आज, इतनी सारी चीज। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने शेड्यूल में से समय निकाला इस इंटरव्यू के लिए, एंड थैंक यू।